फ्रेंड, देखिए मैं आज लेके आ गई बिहार का फेमस चिकन और लिट्टी। तो ये बिहारी जो होते हैं उनका बहुत ही फेवरेट और फेमस डिश है ये बिहार के। तो लिट्टी का जो वो चिकन बनता है तो वो थोड़ा सा अलग से अलग टाइप का बनता है, तो मैं आज वो बना के आप लोग को दिखाती हूँ कि कैसे बनता है। तो इसमें लगभग आधा किलो जैसा चिकन होगा, देखिए इसमें जो मैंने धो के रख लिया। और मैंने इसमें दो प्याज ले लिया, प्याज को मैं काट लूंगी, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ कि ये चिकन जो है कैसे बनता है। तो देखिए मैंने प्याज तो ले लिया, तो ऐसे पतले पतले में काटना है मुझे। दोनों प्याज में से पतले पतले काट लूंगी। देखिए फ्रेंड, मैंने प्याज काट लिया, दो प्याज जो मैंने लिया था वो काट लिया मैंने। अब मैं गैस को ऑन करूंगी, अब मैं दिखाती हूँ कि ये चिकन जो लिट्टी वाला चिकन है वो कैसा बनता है। तो मैं गैस को पहले ऑन कर लेती हूँ। तो आइए फ्रेंड, मैं अब गैस को ऑन कर देती हूँ। मैंने गैस ऑन कर दिया और गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया। अब थोड़ा सा कढ़ाई गर्म हो जाए फिर मैं उसमें तेल डालूंगी। तो फ्रेंड, कढ़ाई मेरा गर्म हो गया, मैं इसमें तेल डालूंगी, सरसों का तेल मैं इसमें डालूंगी। बस मुझे इतना ही सरसों का तेल चाहिए। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए, तेल में मैं डालूंगी जीरा और काली मिर्च और एक सूखा मिर्च। तो तेल पहले गर्म हो जाए, उसके बाद में जो है ये तीनों चीज जो है मैं तेल में डालूंगी। तो मेरा तेल हो चुका है गर्म, अब मैं इसमें जीरा और काली मिर्च जो ली थी उन्हें डाल दी इसमें। अब ये दोनों थोड़ा सा चटक जाए, उसके बाद मैं प्याज डालूंगी। जीरा और काली मिर्च जो है वो चटक गए, अब मैं डालूंगी प्याज। जीरा जो प्याज लिया था आज से मैंने रख रखा था पहले, तो मैंने अभी से डाला। अभी जो सूखा मिर्च है अभी से मैं डालूंगी। अब मैं प्याज को थोड़ा चला लूंगी। होगा तब तक जो है मैं लिट्टी का तैयारी कर लेती हूँ, ठीक है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ लिट्टी कैसे बनाऊंगी, तो उसका तैयारी मैं कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने आटा लगा लिया, आटा थोड़ा सा कड़ा लगाना है मुझे, क्योंकि आज मैं लिट्टी जो बनाऊंगी ना वो कुकर में बनाऊंगी, तो अगर सॉफ्ट थोड़ा सा आटा लगेगा ना तो वो चिपक जाएगा कुकर में। तो मैं थोड़ा सा कड़ा आटा लगाई हूँ। तो देखिए इसमें मैं मसाला जो डालूंगी सत्तू का, वो भी मैंने बना लिया। इसमें मैंने जो मसाला है वो पहले ही मैंने बना के रख लिया, अब मैं इसमें भरूंगी आटा में। आज मैं कुकर में बनाने वाली हूँ लिट्टी, इसलिए थोड़ा सा कड़ा मैंने आटा लगाया। तो ये सूखा जो आटा है, थोड़ा सा सूखा आटा ले लिया मैंने हाथ में, और ऐसा करके दोनों उंगली ऐसे करके देखिए कटोरी जैसे मुझे बनाना है। और फिर इसका देखिए कटोरी जैसे बन गया। अब इसका बीच में जो है मुझे सत्तू का जो मसाले मैंने बनाया था वो मैं इसमें भर दूंगी।
देखिए इसमें भर दिया। अब मैं ऐसा करके इसका मुंह जो है बंद कर दूंगी। देखिए मेरा बनके तैयार है लिट्टी। देखिए बनके तैयार है। मैं ऐसा करके सारे लिट्टी को जो है बना लूंगी। मैंने सारा लिट्टी बना लिया। देखिए मेरा लिट्टी बन के रेडी है। तो अब मैं इसको ना कुकर में आज बनाऊंगी लिट्टी। तो मैं दिखाती हूँ कुकर में मैं कैसे आज लिट्टी बनाती हूँ। तो देखो टाइम मेरा गैस फ्राई हो चुका है। अब मैं इसको डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैं इतना जो है अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया इसमें। अब मैं लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दूंगी। मैंने लहसुन भी डाल दिया इसमें। अब मैं उसको चला लूंगी। जब हल्का सा फ्राई हो जाएगा तब मैं उसको चिकन डालूंगी। फ्राई कर लेती हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी चिकन। तो मैं चिकन ली थी अब मैं इसको डाल दूंगी। मैंने चिकन डाल लिया। चिकन डालने के बाद मैं इसको चला देती हूँ। और इस चिकन को मैं जो है ढक ढक के कम से कम 10 मिनट तक पकाऊंगी। मैं इसको ढक ढक के पकाऊंगी। फ्राई करना है इसको ढक ढक के। तो मैं इसको ढक देती हूँ। तब तक जब तक मेरा ये चिकन फ्राई हो रहा है, जब तक बन रहा है चिकन, तब तक मैं जो लिट्टी की तैयारी की थी मैं लिट्टी में बनाना चालू कर देती हूँ। गैस पे मैं अब रखूंगी कुकर। गैस ऑन कर दिया और कुकर भी चला दिया। कुकर में थोड़ा सा रिफाइंड डालूंगी मैं। कुकर को थोड़ा सा हल्का सा गर्म करना है तो मैंने कर लिया। उसमें तेल मैंने डाल दिया, रिफाइंड डाल दिया। और जो मैंने जो लिट्टी बना के रखी थी
रही है। तो मैं जो है कुकर में एक एक करके मैं डाल दूंगी। सारे लिट्टी को मैं एक एक करके कुकर में डाल दूंगी। तो मैंने लिट्टी जो है डाल दिया कुकर में। अब मैं ढक्कन लगाऊंगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ढक्कन का जो सीटी है वो और रबर जो है उसको निकाल लीजिएगा, उसको लगा के मत रखिएगा। मैंने कुकर का सीटी और रबर निकाल लिया, और मैं इसको ढक ढक के पकाऊंगी। इसको मैं ऐसे ही ढक ढक के पकाऊंगी और गैस को एकदम स्लो रखिएगा। कुकर का अब मैं ये लिट्टी को देखती हूँ। हाँ देखिए, दूसरा साइड जो है मैंने पलट दिया। धीरे से पलटना है इसको। मैं एक साइड हो गया, दूसरा साइड जो है उसको पलट दी। अब दूसरा साइड भी पकेगा, तो मैं फिर जो है ढक्कन को बंद कर दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, चिकन मेरा फ्राई हो चुका है। तो अब मैं इसमें मसाला डालूंगी। तो हल्दी जो है मैं इतना हल्दी जो है थोड़ा सा और हल्दी डालूंगी मैं इसमें। अब मैं इसमें डालूंगी मिर्च पाउडर, मिर्च पाउडर डालूंगी एक चम्मच, दो चम्मच। धनिया पाउडर भी डालूंगी मैं एक चम्मच। दो चम्मच छोटा चम्मच का दो चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला, और दो चम्मच मैंने हरी मिर्च पाउडर डाल दिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा कलर के लिए इतना सा डालूंगी, ज्यादा नहीं, इतना सा बस कलर के लिए। अब मैं इसमें इतना सा जो है अभी नमक डाल लूंगी इतना। अगर मुझे बाद में चाहिए तो मैं बाद में डालूंगी। अब मैं ढक दूंगी इसको थोड़ी देर के लिए। नमक डाल के जो है मैंने ढक दिया था। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, इतना सा पानी मैं अभी इसमें ऐड कर दूंगी। अगर मुझे बाद में चाहिए देख तो बाद में मैं डालूंगी, अभी इसमें मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया।
चाहिए फिर रख दूंगी। तो पैन में देखिए मेरा चिकन, इसमें मैं थोड़ा सा और पानी ऐड करूंगी, इतना सा पानी ऐड करके मैं थोड़ा सा चला दूंगी। चिकन थोड़ा सा बस और थोड़ा ढक के, फिर उसके बाद मैं इसमें गरम मसाला डालूंगी। तो देखिए फिर मेरा लिट्टी जो है बन गया है, लिट्टी निकाल लूंगी इसमें से एक एक करके। सारा लिट्टी मैंने निकाल लिया। तो देखिए फैन मैंने ढक दिया था 5 मिनट के लिए पानी डाल के। तो मैंने चिकन किया तैयार है, इसमें गरम मसाला डालूंगी। इसके कलर कितना अच्छा है, बहुत ही हमें बहुत टेस्टी लग रहा है। तो इसमें गरम मसाला जो है वो डालूंगी, डाल के मैं सब चला दूंगी। मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, मुझे थोड़ा सा पानी और चाहिए ग्रेवी। तो आप लोग को अगर कम चाहिए होगा तो कम ही डालिएगा, अगर ज्यादा तो ज्यादा। तो मुझे थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए था, मैंने थोड़ा सा और पानी ऐड कर दिया। अब मैं 2 मिनट के लिए इसको ढक दूंगी। मैंने मसाला डाल दिया, मैंने इसको 2 मिनट के लिए मैं ढक दूंगी। तो देखिए पैन मेरा चिकन है तो तैयार है। मैं लाइट को बंद कर दूंगी। देखो मैंने चिकन बन के तैयार, मैंने गैस बंद कर दिया। अब मैं ढक दूंगी इसको।